गरीब जरूरतमंदों की मदद करना मेरी पहली प्राथमिकता। रुकैया खातून। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज में। झारखंड सहित पूरे देश की खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के जिला महासचिव रुकैया खातून ने ऑल फॉर ऑल न्यूज के संवाददाता सद्दाम हुसैन से बातचीत करते हुए बताया कि गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों को मदद मांगते नेताओं के दर भटकते देखा है, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं करता और इलाज के अभाव में कई लोग दम तोड़ देते हैं। उन्हीं परिस्थितियों को देखने के बाद समाज सेवा में अपना योगदान दे रही हूँ। गरीब बीमार को इलाज करा देने के बाद दिल को जो सुकून मिलता है वह जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। लोगों की समस्या का समाधान जिस स्तर से हो उस प्रयास में लगी हूँ। लोगों की दुआएं ही सर्वोपरि है। आइए अब कुछ सुनाते हैं ऑल फॉर ऑल न्यूज के संवाददाता सद्दाम हुसैन से रुकैया खातून की और क्या बातचीत हुई। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं ऑल फॉर ऑल न्यूज। इस वक्त मैं सरायकेला खरसावां जिला के अंदर मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ के एक समाज सेवी कांग्रेस पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के महासचिव रुकैया खातून हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रुकैया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी शुक्रिया। हाँ, इस वक्त मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत जो है काम करती रहती हैं, तो ये जो आप काम करती हैं समाज के लोगों को जो है मुख्य धारा से जोड़ते हैं, उनके इलाज के लिए आप तत्पर रहती हैं, ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? जैसे कि प्रेरणा इस तरह से मिलती है कि देखते हैं गरीब तबके के लोग होते हैं कि बीमारी से ग्रसित रहते हैं, इधर उधर भागे चलते हैं, 150 के लिए ये नेता वो नेता के पास जाते हैं, किन्हीं को किन्हीं से मदद मिल जाती है, किन्हीं को किन्हीं से मदद नहीं मिल पाती है। मैं उन लोगों के लिए खड़ी रहती हूँ और उनको मैं भरपूर अपने तरह से सहयोग करती हूँ, चाहे मैं खुद से मेंटेन करके करूँ या फिर पैसे से हो या सोर्स से हो, मैं पैरवी से भी करवाती हूँ ताकि उसका इलाज सही टाइम पे हो जाए और सही तरीके से हो जाए, मैं किसी की मदद कर पाऊँ। इसके लिए मैं अपने आप को भी ये करती हूँ, जागरूक करती हूँ कि मैं किसी के काम आ जाती हूँ, मुझे किसी से काम नहीं होती है। ये थी रुकैया खातून जो बता रही थी कि गरीब लोग जो हैं इधर उधर पैसे के लिए भटकते हैं, कभी इस नेता के पास कभी उस नेता के पास, तो ये उनका मददगार बन करके उनके लिए काम करती हैं। ये बहुत अच्छा इनके तरफ से एक पहल किया जा रहा है। हम इससे ये भी जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप कैसे आए, किससे आप जो है आपको प्रेरणा मिला, किस तरह से आप राजनीति में आए, उस पर थोड़ा सा आप कुछ बताएं। राजनीति में जहाँ तक देखा जाए तो राजनीति को आने में हमको जहाँ तक लगे कि सभी लोग परेशान रहते थे, नेता को बदनाम करते, जहाँ तक कुछ लोग हैं कि अपने पोस्ट को लेकर के गलत मिसयूज करते हैं और लोगों को भ्रमित भी करते हैं, हम उस भ्रम को तोड़ने के लिए और गरीबों को सहयोग करने के लिए ही हम पार्टी पॉलिटिक्स में ज्वाइनिंग हुए। ऐसे तो मैं बिना पार्टी के भी मैं काम करती थी और लोगों को सहयोग करती थी, लेकिन मैंने सोचा जब हम ऐसे नॉर्मल तरीके से लोगों को सहयोग करती ही हूँ तो क्यों ना एक पार्टी को चुन लिया जाए, पार्टी में जा करके हम काम करें। तो आप कौन से पार्टी में भी काम करती हैं? मैं तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके काम कर रही हूँ और मैं जिला का महासचिव भी हूँ। ये थे रुकैया खातून जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। हमारे सभी सवालों का इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। आप देखते रहें ऑल फॉर ऑल न्यूज। इजाजत दीजिए। जय हिंद।